The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So baat kar rahe hum vitamin K ki, right? Vitamin K aapki body mein ek required bahut zaruri substance hai jo aapki body ko avashyakta hai uski to grow and develop normally, right? Your body needs this, right? Vitamin K helps your body by making proteins and healthy bones. So it is required for your bones, for your tissues, for making proteins for these things, right? And it also makes proteins for blood clotting. Blood clotting ke liye protein banata hai vitamin K. Aur agar wo nahi sahi rahega to aap mar jaoge. Khoon bheh bheh ke mar jaoge. Yes. To dushmano ki nazar ho sakti hai is vitamin K pe hai. Anyways, alag baat. So कई लोगों को विटामिन के की कमी होती है. जी हाँ, न्यूबॉर्न्स जो नए नए बच्चे पैदा होते हैं उनको भी विटामिन के की कमी होती है. न्यूबॉर्न्स आर डेफिशिएंट इन विटामिन के एंड दैट्स व्हाई मेनी टाइम्स न्यूबॉर्न्स गेट अ शॉट ऑफ विटामिन के एज सून एज दे आर बॉर्न, बट नॉट ऑल, बट मेनी न्यूबॉर्न्स आर, स्पेशली इफ दे हैव एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, राइट? एंड अगर आपको ब्लड थिनर्स चल रहे हैं, मान लीजिए ब्लड थिनर, खून पतला करने की कोई दवा चल रही है, राइट? देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट विटामिन के, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा विटामिन के खा लेंगे तो, या इवन विटामिन ई से भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. के और ई, फॉर एलिफेंट, के फॉर काइट, क्योंकि ई और के दोनों खून पतला करने की दवाएं ब्लड थिनर्स के साथ इंटरफियर कर सकती हैं. सो के एंड ई कैन इंटरफियर विद द ब्लड थिनर्स. And that's why you have to be careful about them and talk to your doctor whether you can take it or not, right? Very important. And there are different types of vitamin K also. Jaise ke most of the people get vitamin K from the plants. Plants jaise green vegetables, hari pattiyan, dark berries. Dark kale rang ki, you know, berries, blueberries, blackberries. So berries and dark vegetables se aapko vitamin K mil jata hai. Aur aapke shareer ke andar ke, pet ke andar ke bacteria bhi vitamin K paida karte hain. Bahut dusre type ka vitamin K paida karte hain. To aaj hum baat karenge vitamin K ke function, उसके फूड सोर्स, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके रिकमेंडेशन कि भई ये कितना चाहिए आपको और किस उम्र में कितना चाहिए, एट्सेट्रा 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 के बारे में, राइट? सो हमने आपको बताया कि के, ए डी ई के फैट सॉल्युबल है, यानी कि ए विटामिन ए डी ए के आर फैट सॉल्युबल विटामिन. तो के भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और के हमें बहुत ज़रूरी, सबसे इंपॉर्टेंट अगर याद रखना है तो के काहे के लिए है? के इज फॉर ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग विटामिन. के फॉर क्लॉट, सी फॉर क्लॉट है, के फॉर क्लॉट, यस, के फॉर क्लॉट है आपकी बॉडी के अंदर. बॉडी को ना समझता, उसको अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है? सो के फॉर क्लॉट, बिकॉज के क्लॉटिंग का विटामिन है और बिना उसके आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा और वो खलास हो जाएगा, निकल निकल के छोटी सी कट लगेगा और हो जाएगा. सो इसीलिए के चाहिए. और बहुत सारी स्टडीज में ये बताया गया है कि के जो है वो आपके बोन्स के लिए भी ज़रूरी है, कैल्शियम के साथ. K2 करते रहते हैं कुछ लोग, सुना होगा आपने, वो भी इसी के साथ ही आता है. सो विटामिन के आपके बोन्स के लिए भी ज़रूरी है, बोनस के लिए भी ज़रूरी है, राइट? राइट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? फूड सोर्सेस क्या होते हैं विटामिन के फूड सोर्सेस, राइट? विटामिन के इज प्रेजेंट डेली अमाउंट जो विटामिन के का आपको चाहिए वो आपको नॉर्मल ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा. ग्रीन लीफी बोले तो मंजे काय, मंजे केल, मंजे स्पिनिच, मंजे मंदे मराठी मदे मीनिंग, मतलब के मीनिंग के स्पिनिच, अपना केल, हरे पालक, अपना ग्रीन टूलिप्स, टर्निप्स, अपना बहुत सारे जितने भी मस्टर्ड, ग्रीन पार्सले, पता नहीं क्या क्या, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, लेटिस, लूटिस, सब जितने हरे पत्ते वाली सब्जी है उसमें विटामिन के है, ठीक है? उसके बाद में जो अपनी स्प्राउट्स है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, उसमें विटामिन के है, ठीक है? उसके बाद में जो एनिमल फूड है, फिश, उसके बाद मीट, एग,
फिर अपन लोगों का लीवर खाते, जी हाँ, हम अपन मुर्गी का लीवर खाते, तो लीवर में है, उसमें सीरियल्स जितने अपने दाल चावल उसमें बहुत कम है बट है, ठीक है। और मैंने जो बताया था पेट के अंदर भी बनता है, योर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ऑल्सो मेक्स वाइटामिन के, यो, ठीक। अब के अगर आप नहीं खा रहे, आपके अंदर हो गई डेफिशिएंसी, क्या उसकी डेफिशिएंसी होती है? बहुत रेयरली होती है भैया, लेकिन हो सकती है, क्योंकि के बहुत ज्यादा कॉमन चीज भाई। कुछ तो खाओगे ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नहीं तो कुछ ब्रोकली, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, फिश, अंडा, चिकन, सीरियल, दाल चावल तो खाओगे और पेट में तो बन ही रहा है, तो डेफिशिएंसी इज रेयर, रेयर, लेकिन ऐसा कुछ नामुमकिन नहीं है, दुनिया में सब हो सकता है कि नहीं? तो डेफिशिएंसी इज रेयर बट इट कैन हैपन। अगर डेफिशिएंसी हो गई वो कब होती है? जब आपकी बॉडी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। नाउ दैट इज द की पॉइंट हियर। इफ योर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब वाइटमिन्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन, नाउ देन यू विल हैव अ डेफिशिएंसी, और एल्स नॉर्मल डाइट, सारी डाइटों में के आ जाएगा। सो वाइटामिन की डेफिशिएंसी कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ मेडिसिन्स लाइक एंटीबायोटिक, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स। कोई लोग ट्यूबरक्लोसिस की दवाई ले, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना एंटीबायोटिक, कोई कोई डॉक्टर पगला जाते हैं, 6 6 महीना एंटीबायोटिक ऐसी दे देते हैं, तो कोई कोई पेशेंट ही खुद ही खाते रहते हैं, कोई कोई केमिस्ट अपने आप को डॉक्टर समझ के बांटते रहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा लेने से वाइटामिन के की दवा, वाइटामिन के की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, और जिनको वाइटामिन के की डेफिशिएंसी होती होती है उनको होती है इजी ब्रूजिंग। ब्रूजिंग मतलब ऐसी टच किया ना, ऐसा पेन से, पिन से, तो फवारा नहीं निकलेगा, मतलब जल्दी से उनका लाल हो जाएगा, ऐसे से ब्रूजिंग, इजी ब्रूजिंग, ब्लीडिंग, इजी ब्लीडिंग है, छोटा सा चोट लगेगा, ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, रुकेगा नहीं, ज़्यादा रुकेगा नहीं, राइट। सो ध्यान में क्या रखना है, व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, इफ यू आर टेकिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्लड थिनर ड्रग्स जैसे कि एंटी कोएगुलेंट्स, एंटी प्लेटलेट्स लाइक वॉरफरिन, लाइक आपका जिसको क्योमरीन भी कहते हैं, वॉरफरिन हो गया, या फिर ब्लड थिनर्स जैसे इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, और आप किसी प्रकार के दूसरी तरीके की दवाई ले रहे हैं जो एक्चुअल एंटी कोएगुलेंट है, आपको बताया गया है खून पतला करना है, PTINR, APTT चेक करना है, तो आपको वाइटामिन के कंटेनिंग फूड कम खाने हैं, क्योंकि वाइटामिन के ब्लड को और क्लॉटिंग करवा देगा और आपको चाहिए ब्लड पतला। ब्लड पतला करने के और कारण होते हैं मेडिकल फील्ड में, जब आर्टिफिशियल वैल्व लगाई जाती है, टड़क टड़क आर्टिफिशियल वैल्व, तो ब्लड पतला रखना पड़ता है, किसी को AF होता है, एट्रियल फ्लटर फिब्रिलेशन, तो ब्लड पतला रखना पड़ता है, किसी के शरीर के अंदर क्लॉट्स, बहुत ही बड़े बड़े क्लॉट्स बन जाए तो ब्लड पतला करना पड़ता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें ब्लड पतला करना पड़ता है, राइट। और आपको इसी के साथ एक फिक्स्ड अमाउंट खाना होगा वाइटामिन के, तो हरी पत्ते वाली सब्जियां जो सबसे हाईएस्ट रिच फूड है उसको अवॉइड करेंगे, और लिवर वाली चीज़ें, फिश वाली चीज़ें कम खाएंगे, दैट्स द आइडिया। और उसके बाद में आपको अपने दवाओं के बारे में डॉक्टर से हमेशा डिस्कस करना चाहिए कि भाई ये मेरी डाइट है, क्या मेरी दवा से इंटरफेयर करेगी कि नहीं करेगी। ज़्यादातर केसेस में एंटी कोएगुलेंट्स के साथ हमेशा ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो अगर कमी होती है वाइटामिन के की, डेफिशिएंसी होगी तो ब्लीडिंग होगी, ज्यादा होगा तो क्या होगा, वाइट विटामिन के बहुत ज्यादा होगा तो क्लॉटिंग ज्यादा हो सकती है ना, दैट इज थियोरेटिकल पार्ट, ज्यादा बहुत रेयरली देखा जाता है। सेकेंडली इसकी जरूरत कितनी है, व्हाट इज द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, RDA, फटाफट रश करते हैं RDA पे। RDA क्या है? RDA मतलब कितना एक पर्सन को रोज खाना चाहिए, राइट, गोल क्या होना चाहिए, राइट। वाइटामिन्स के RDA डिपेंड करते हैं आपकी उम्र और आपके जेंडर पे, इनफैक्ट प्रेगनेंसी पे भी, ब्रेस्ट फीडिंग पे भी, बीमारी पे भी डिपेंड करते हैं, हर केसेस में आपके यह बदल जाते हैं। सो अगर छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, 6 महीने तक है, तो उसको 2 माइक्रोग्राम, 2 माइक्रो, मिली नहीं, माइक्रोग्राम आपको पर डे वाइटामिन के चाहिए, उसके ऊपर 7 से 12 आपको चाहिए 2.5 माइक्रोग्राम, 1 से 3 साल की उम्र में 30 30 माइक्रोग्राम, सीधा 10 गुना का जंप मारा है, सीधा
चिल्ड्रन में 30 माइक्रोग्राम, 4 से 8 साल में 55 माइक्रोग्राम्स, 9 से 13 साल या अगर हम बात करें 9 से 13 साल यानी बच्चों में 60 माइक्रोग्राम 60, और एडल्ट मेल फीमेल कोई भी हो 14 साल से 18 साल के बीच में 75 माइक्रोग्राम 75 माइक्रोग्राम्स, इवन इफ यू आर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग इन द एज बिलो 18 एंड above 18, above 19, 19 and older, you need 90 micrograms per day, including if you are breastfeeding or lactating for females or males mein 120 microgram per day chahiye, 120 microgram per day, ye chahiye aapko aapka phylloquinone, phylloquinone, yes, which naam hai uska, vitamin K, K1 जिसको हम कहते हैं phylloquinone और K2 जिसको कहते हैं menaquinone, menaquinone is K2 और K3 भी आता है जिसको कहते हैं menadione, so K1, K2, K3 ये तीनों के तीनों जरूरी है आपकी बॉडी के अंदर coagulation के लिए, bones के लिए, joints के लिए, so remember to take all of them together with your food, in your food, you don't need a supplement, बस खाना खाते रहो, बढ़िया से कोई सवाल है तो जरूर लिखिए।